खत्म करने का दराजा डालू टोटल सोनू भी 10,000 घपा घप पेटीएम करना मैं भी देख रहा हूँ। अगर अपने सोनू भी आया नहीं अभी भी नहीं आया अभी भी नहीं आया अभी भी नहीं आया सोनू भी 10,000 सोनू भी जल्दी गॉजरेन वर्सेस टीम हाइड्रा बोलने का नाम नहीं ले रहा है धीरे-धीरे आगे हाइड्रा का व्यू भी दिखाते नहीं कोई बात नहीं स्टेबल में तो दिखाना पड़ता है ना गाइस वहां पे तैनात है उधर ना भी दिखाए तो क्या ही क्या ही पॉइंट स्टेबल में तो दिख ही जाते हैं क्यों ब्लाइंड स्प्रेस दिए जा रहे हैं एकेओपी द्वारा इस तलाश में कि एक और फिनिश आ जाए बट ये अबे फॉलो ऑन इंस्टाग्राम का लिंक देना गाइस वो पिन कर दूंगा मैं गाइस यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करो यार गाइस इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहा हूं मैं आजकल कौन जीतेगा ये बैटल सेंस से देखिए अब हो चुकी है प्रॉपर 4v4 3v3 फाइट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओजी पे एक थोड़ा अपर एडवांटेज है क्योंकि उन पे जोन उनके काफी नजदीक है हार्ड रैकेट दो प्लेयर्स अभी हमें जोन के बाहर देखने को मिल रहे हैं फाइट थोड़ा ट्राई बाय ट्राई करें देखिए पहले कवर बनाना प्रायोरिटाइज करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जोन पूरा ओपन में है पूरा का पूरा विजन भी ब्लॉक कर दिया गया है हर तरफ धुआं ही धुआं हर तरफ स्मोक ही स्मोक करके विजन ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है बट क्या हाइड्रा के सभी खिलाड़ियों की पोजीशन का अंदाजा है ग्रेनेड तो थ्रो किए जा रहे हैं हल्का मुझे लगता है आइडिया तो होगा बट ऐसा प्रिसाइज लोकेशन तो इस समय पे नहीं पता चलेगी चल डोरा कर दिया गया बचे दोनों खिलाड़ी को पिन कर दिया गया एक छोटे से कवर के पीछे रांगुटान के प्लेयर्स को अभी के लिए रिवाइवल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने को रिपोजिशन भी करना पड़ेगा रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी रिस्क के दूसरी तरफ होगा अगर समहाउ विज़गॉट का रिवाइवल हो जाता है और वो हील कर लेते हैं अपने आप को तो हाइड्रा के ऊपर दोबारा से दबाव बनाया जा सकता है चलिए यहाँ पे रिवाइवल तो हो चुका है लेकिन अब एकेओपी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खेलना पड़ेगा आगे की तरफ हाइड्रा की तरफ से जो ग्रेनेड्स का प्रहार हो रहा है उनको रोकना पड़ेगा विज़गॉट दोबारा से डाउन होते हुए लो एचपी पे थे हील कर रहे थे अपने सही बात है किसी की मुंडी डलता रहता है एकेओपी का सेवियर यहां नजर आ रहे आखिरी खिलाड़ी ई के शट डाउन एज वेल एंड टीम हाइड्रा नॉकआउट हो जाएंगे बट वो हुआ था व्हीकल प्लास्टिक गेम्स जूसी वहाँ पर नॉकआउट जरूर हुए वहाँ पर जाने की अभी के लिए साहस भी नहीं दे रहा है वही अभी के लिए एक अगर रिस्क उठाएगा तो शायद अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा उसको बट दिक्कत ये है कि अब वो सर्कल के बाहर है अब प्ले जोन से आपको ना अब मल्टीपल वो नाम आ जाएंगे लेकिन हाइड्रा बोल रही है प्ले जोन तो बाद में पहले हमारे उस बुलेट से वो नॉकआउट करने की कोशिश हम करेंगे यहाँ से डी मैक्स पार्क सर्कल किसी का भी सगा नहीं है सर्कल किसी का भी साथ अभी के लिए नहीं दे रहा हाइड्रा से भी अभी सर्कल ने मुंह मोड़ लिया है थोड़ा सा उनको भी ट्रैवल करके दिखाना पड़ेगा बट ड्रीम तो कर रहे लेकिन कब फेंकेंगे कितना इंतजार आप करवाएंगे बट ये नॉकआउट जो निकले हैं टीम एक्स पार्क के ये कहीं उनको बैकफुट पे धकेल सकते पीछे से 8-bit का भी ओटर है लेकिन अभी 8-bit जूझ रही है मैक अभी जूझ रहे उस प्ले सर्कल से प्ले जोन से उनको आना है उस प्लेबल एरिया की तरफ बट शैडो और इतना सोच विचार विमर्श करने के बाद मैक बोलते हैं कि हाइड्रा आप अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो मैं ही खत्म कर देता हूँ आपका वो एनिमी जी हाँ मतलब काफी सारे खिलाड़ी यहाँ पे खत्म किया था मैक ने